फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फाइव सेवेंट फाइव का एक नया नवेला एपिसोड और ऑस्ट्रेलिया को निपटाने के बाद अब भारतीय टीम अपना अगला सीरीज कहाँ खेलेगी अगला सीरीज खेलेगी न्यूजीलैंड में फुल सीरीज फाइव टी ट्वेंटी आईज थ्री ओडी एंड देन

Uh, क्या है कि वहाँ पे तो लास्ट टाइम इंडिया जब गई थी हाँ एक साल पहले तो वो टी ट्वेंटी सीरीज हारी थी तो दिस माइट बी सम माइंड कि हाँ हम वहाँ पर हा, जीत हासिल नहीं कर पाए थिंक दो हज़ार नौ में शायद लास्ट टाइम जीते वहाँ पे टी ट्वेंटी सीरीज़ पर लेकिन टी ट्वेंटी फॉर्मेट है फोकस जैसे कि आपने बोला वर्ल्ड कप है छोटे ग्राउंड्स हैं स्पिनर्स शायद वहाँ पे एक ही ए, एक ही खिलाएंगे दो का रिस्क है वहाँ पे uh, हमने ऑलरेडी बात किया पहले कि वो कुलदीप और चहल को वैसे भी वो एक जोड़ी नहीं बना पा रहे हैं

रात को उन्होंने खत्म किया मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हाँ, के खिलाफ वही बीस होगी होगी जब तक वो पहुंचे होंगे अपने होटल रूम हाँ, हाँ, और चौबीस को वो मैच खेल रहे कहा न्यूजीलैंड में मैं जब न्यूजीलैंड गया था मुझे तो छत्तीस घंटे लग गए थे पर इनके लिए बेटर कनेक्शन होगी फ्लाइट की तो ये 24 घंटे में भी पहुंच जाएंगे एक दिन आप ट्रैवल करेंगे आप बीस को निकलेंगे इक्कीस को आप पहुंचेंगे आप 24 को वहां खेलेंगे एंड ये भी नहीं कि टाइम जोन सेम है साढ़े सात घंटे का फर्क है बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया और पूरी बॉडी क्लो आपकी बदल जाती है आई रियली फील फॉर दिस प्रोफेशनल प्लेयर्स कि आप पहले आप दस दस बारह बारह दिन पहले जाते थे टू जस्ट अक्लाइमेटाइज विथ चेंजिंग कंडीशन टाइम आपका स्लीप पैटर्न बहुत मायने रखता है एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और आप पहुंचते हैं जस्ट दो दिन पहले एक दिन तो आप अपना अनपैक करेंगे अगले दिन आप एक नेट सेशन करेंगे प्रीव्यू और आपको मैच खेलना तो दैट इज आई थिंक विल प्ले अ मेजर रोल इन एटलीस्ट पहले एक दो टी ट्वेंटी आई में तो एकदम से आप लैंड करके डिफरेंट टाइम जोन वेदर विंटर्स है है वहां पे समझ चल रहा है। काफी चीजें ये फर्क करती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी रहम करनी चाहिए बीसीसीआई को इन प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए थोड़ा तो आप गैप दो टाइम दो वहां जाके खेलें बहरहाल आपने ओपनिंग के बारे में बात की वो तो एक जो सिरदर्द है थोड़ा सा सॉल्व हो गया क्योंकि शिखर धवन इस वक्त स्लिंग के बैठे हुए थे बैठे हैं यहाँ पे लेकिन एक और सिरदर्द जो है वो कीपिंग को लेकर और ये सिरदर्द हमने नहीं बनाई है ये सिरदर्द बनाई है यहाँ पे तो आपको को क्या लग रहा है केएल राहुल यहाँ पे कीपिंग करेंगे कीपिंग इन माइंड जो कमेंट आया है विराट कोहली का आफ्टर दी ऑस्ट्रेलिया और सीरीज या ऋषभ पंत जिसको आप बैक करे जा रहे इतने टाइम से और जो उनका प्रेफर्ड फॉर्मैट अगर हम बोले ऑफ द थ्री फॉर्मेट्स टी में वापसी अगर होने वाली है अगर हम विराट कोहली की पोस्ट मैच कमेंट्स पे गौर करेंगे तो हाँ लगता है कि एटलीस्ट कुछ मैचेस के लिए और बिकॉज द सीरीज विद फाइव ऑफ देम एटलीस्ट दो तीन में तो राहुल को मौका दिया जाएगा टू uh, कीप अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो अगेन आई थिंक ही इज बीइंग जज ऑन हिज बैटिंग मोर देन द विकेट कीपिंग टी में विकेट कीपिंग के ठीक ठाक है अगर हम याद करेंगे दो तीन स्टम्पिंग्स थे बट अगेन वो स्टम्पिंग्स थे थे जो एम एस धोनी

मैं, मैं नहीं कीपिंग करेंगे वो और वैसे न्यूजीलैंड सर एक सॉलिड टीम है और बॉल थोड़ी बहुत हिलने वाली है वहां पे काफी हिलने वाली है आ, उतनी तो नहीं हिलती जितना हमें याद है अगर आप अर्ली टू थाउजेंड में जब इंडियन टीम जाती थी तो बिल्कुल अलग कंडीशन रहती थी अब स्टेडियम भी कुछ बदल गया टी ट्वेंटी में खासतौर तो पर ये हाँ और टी ट्वेंटी में खासतौर तो पर ये मल्टी यूटिलिटी वाले स्टेडियम में खेलते हैं जहां पर इनका रग्बी भी खेला नहीं। नहीं। जाता है सो so, वो ग्राउंड बिल्कुल अलग हैं मिक्सिफ पिचेस होती है ज्यादातर फ्लैट होते हैं बाउंड्रीज छोटी हैं जैसे हमने देखा टू से ये शुरू हुआ है इन्होंने जो नए स्टेडियम में खेलते जो कन्वेंशनल टेस्ट वेन्यू है वहां पे इतने नई टी खेलते तो ये एक फर्क है बट ओवरऑल आप न्यूजीलैंड की टीम देखें तो बहुत अच्छा है। oh. उनका परफॉर्मेंस आई थिंक अभी लास्ट टी ट्वेंटी उन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला था सीरीज दे वन दैट ऑल्सो टू वन इन इंग्लैंड अभी वन uh, डे you know, तो शॉर्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छी है तो क्योंकि उनके पास वो हरफन मौला खिलाड़ी बहुत है हालांकि आठ आठ है, है तो बट उनमें में ना कईयों को ऑलराउंडर बनाया जैसे को एक आप ऑलराउंडर गिन रहे हैं सेंटनर को ऑलराउंडर तो तो है मतलब बट सी मोर ऑफ बोलर है ना वो कभी कभी रन बना रहे थे तो आई एन ऑलराउंडर तो इसलिए मैं कहता हूँ ऑलराउंडर टैग भी बड़े इजिली आप दे रहे हैं बट हाँ तीन चार अच्छे

रोहित शर्सन वर्स विराट को जो एक अप्रोच है की मैं बस चार पांच ओवर के बर्स में तेज डालूंगा दैट सेम जॉब मुझे चार ओवर ही डालने वो कभी पेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करे उनका रोल वही है साउदी और बोल्ट अप स्विंग इस बंदे का पे मारो टप 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 पेस अब नवदीप सैनी भी आ गए उन्होंने नवदीप सैनी में में दिखाया था और न्यूजीलैंड की कंडीशन उनको मजा भी आएगा गेंदबाजी करने के लिए इंडिया हा? की फास्ट बोलिंग आपने तो कहा था पहले दूसरे शो में मोहम्मद शमी लेफ्ट आउट मैं कहता हूँ इट इज अ ग्रेट थिंग आपका बैट प्लेयर अगर शमी है जो बाहर बैठ रहा है वन डेज में या टी ट्वेंटी और टेस्ट में जैसे उमेश जो है वो बाहर बैठे इट्स गुड ओवरऑल प्लेयर मैनेजमेंट इज द की वर्ड कम्स इंडियन टीम सीरीज क्या होगा इस सीरीज में थोड़ी देर में बात करेंगे सो मच फॉर जॉइंग फाइव सेवेंटी फाइवर्स इंडिया नवेला एपिसोड वी विल लुकिंग एट टू दैट फाइव टी ट्वेंटी इंटरनेशनल सीरीज बिटी इन इंडिया एंड न्यूजीलैंड